बदरों के लिए समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन, हमारे साथ हैं रजनी जी। करते हैं खबरों की शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी के दक्षिण दौरे का आज दूसरा दिन है। पीएम मोदी ने कोच्चि में 4000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया और कहा कि भारत ग्लोबल ट्रेड का हब बन रहा है। भारत आज कई विकसित देशों से आगे निकल गया है। पीएम मोदी ने केरल के गुरुवायूर मंदिर में पूजा की। मंदिर में पीएम ने नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया और बटुकों को सम्मानित किया। पीएम ने श्री रामास्वामी मंदिर में पूजा भी की और सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने दक्षिण दौरे के दौरान राम मंदिर को लेकर बड़ा बयान दिया। पीएम ने कहा 22 जनवरी के दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। देश के घर घर और मंदिरों में श्री राम ज्योति प्रज्वलित होगी। वहीं केरल में पूरा महीना रामायण को समर्पित है। अयोध्या में दीपावली जैसा उत्साह देखने को मिल रहा है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरा देश राममय हो गया है। आपको बता दें, राम मंदिर के गर्भगृह में मूर्ति स्थापना से पहले अनुष्ठान किया जा रहा है। गर्भगृह में कल मूर्ति की स्थापना की जाएगी। इससे पहले सरयू घाट पर यजमान अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी ने पूजा की। साथ ही अयोध्या में महिलाओं ने जल कलश यात्रा निकाली। इस दौरान उन्होंने भजन भी गाए। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जोरों पर चल रहा है। इसकी नई तस्वीरें जी न्यूज के पास हैं। इन तस्वीरों में शिखर और द्वार का निर्माण दिख रहा है। राम मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम का आसन मकराना संगमरमर से बनाया गया है। जानकारी के मुताबिक आसन पर राम जी के खड़े स्वरूप में प्रतिमा स्थापित होगी। आसन के नीचे करीब 4 फीट ऊंचा सोने का सिंहासन बना है। मंदिर के गर्भगृह में सोने के 14 दरवाजे लगाए जा रहे हैं, जिसकी ऊंचाई 12 फीट और चौड़ाई 8 फीट है। बता दें, मंदिर में कुल 46 दरवाजे लगाए जाएंगे। बधिरों के लिए समाचार में फिलहाल इतना ही।